अरे किस तरह से स्वागत है सभी का भास्कर गुप्ता एक और नई वीडियो में। इस में हम आए थे ऑटो एक्सपो और यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे आ जाए हम हुंडई के पास में, हुंडई के पवेलियन में आए और यहाँ हुंडई के पवेलियन में बहुत सारी कार्स है जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दे रही है और यहाँ पे काफ़ी सारी कार डिस्प्ले में लगी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। कि वैसे हैं तो ये दो चार ही लेकिन उनके मॉडल्स इतने ज़्यादा लगा रखे हैं कि वो देखने में लगता है बहुत सारे हैं। तो आओ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ हुंडई ने कौन कौन सी अपनी कार्स को जो है यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। ये है हुंडई का और यहाँ पे हुंडई के में जो सबसे पहली कार जो यहाँ पे लगा रखी है वह है यहाँ पे ये आयोनिक 6। और आयोनिक 6 के लिए यहाँ पे देखो ये सेडान के फॉर्म में है यहाँ पे कुछ और फुल इलेक्ट्रिक है, ईवी की यहाँ पे सारी पेशकश कर रखी है यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो, और काफ़ी अच्छी खासी तरीके से है ये। और इसके जो टायर्स वगैरह देखोगे ना ये सारे 20 इंच के अलॉयज है, काफ़ी अच्छे डायमंड कट अलॉयज यहाँ पे लगा रखे हैं इसमें और साइड से काफ़ी अच्छी बन रखी है। इसके कुछ स्पेक्स वगैरह का ज़्यादा कुछ बताया गया नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे देखो शान साइड से कितनी स्लीक और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका, कर्वी डिज़ाइन है इसका काफ़ी ज़्यादा और बहुत ही प्यारी लगती है यार। अंदर जाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, आयोनिक 6 की यहाँ बैजिंग है ये देख सकते हो आप और ये इसके लाइट्स बंद हो चुके हैं यहाँ पे। दोस्त ये यहाँ पे इनका एटलस रोबोट, ये देखो ये इनका एटलस रोबोट है बोस्टन डायनामिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सारा रोबोट है इसका जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है इनके। यहाँ पे ये काफी कुछ बोल रहे हैं ना इस वजह से यहाँ पे काम नहीं बन पा रहा मेरा, तो थोड़ा सा शोर शराबा आ रहा है। बाकी यहाँ पे और आपको दिखाऊं ना तो इधर की तरफ मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये है काफी अच्छी चीज। यहाँ पे बैटरी सिस्टम है, यहाँ पे ये है प्लेटफॉर्म EGMP और ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका बना हुआ है। ये ऑटोमेटिक रिचार्जिंग के साथ में आती है, ये बैटरी का प्लेटफॉर्म दिखाया हुआ है यहाँ पे कंपनी ने और यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हो ये जिस तरीके से है यहाँ पे एनिमेशन में दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये जो बैटरी है किस तरीके से बची रहेगी डैमेज नहीं होगी वो बता रखे हैं। और यहाँ पे जो बैटरीज है ना ये सारी बैटरीज जो है रिचार्जेबल होंगी चलते के साथ में, जिस तरीके से आज के टाइम डेट पे हम देखते हैं कोरोला की कार है जो आती है और उसी तरीके से यहाँ पे द EGMP यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म। आगे आने वाली जो इलेक्ट्रिक कार्स होगी ना वो हुंडई की आपको इसी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिलेंगी और काफ़ी अच्छी है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी यहाँ सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है। अब ये चीज़ें कब तक आती हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको कब तक देखने को मिलेगा, ये आगे जब इनकी कार्स लॉन्च होंगी ना जब पता लगेगा। पे नेक्सो हुंडई की और ये थोड़ी सी जो है अपले फॉर्म में SUV फॉर्मेट में है और SUV भी नहीं कहूँगा, क्रॉसओवर फॉर्म में है काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा यहाँ पे शोर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। नेक्सो का यहाँ देखो बैजिंग दिख रही है आपको और कार काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे ब्लू ड्राइव है, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं 20-20 इंच के अलायंस के साथ में यहाँ पे ये सारी चीज़ें और बहुत ही शानदार लग रहा है ये। और इसकी जो है यहाँ पे आप देखो नेक्सो की जो बैजिंग आपको देखने को मिलेगी इस तरफ से और काफ़ी सुंदर है ये। और ये देखो ये कार की लुक्स काफ़ी अच्छी है लेकिन पता नहीं हुंडई कब लेकर के आएगा इसको इंडियन मार्केट्स में और ये कब रिटेल होनी शुरू होगी इसका कुछ नहीं पता। अभी यहाँ से डिस्प्ले में कही गई है, अब देखना है कब तक होगा। यहाँ पे देखो ये BYD के यहाँ पे लगा है हुंडई के साथ में ये है और यहाँ पे 803 के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिन। यहाँ देखो यह है 803 जो BYD की है, अभी ये करंटली इंडिया में जो है सेल होती है और शायद 36-40 लाख के बीच में इसका कुछ प्राइसिंग है। और यहाँ पे ये 803 जो है इसी को काफ़ी ज़्यादा, ये कंपनी का पहला ही प्रोडक्ट है यहाँ पे और ये उसी को डिस्प्ले कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 4 डिस्प्ले करीब लगी हुई है यहाँ भी और इस तरफ की होगी। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो मॉडल है इसका ये करंटली इंडिया में चल रहा है और इसे अभी आप परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो कार है इसका एक्सपो यहाँ पे आज लगाया हुआ है। साइड से देखो बहुत ही स्टीप डिज़ाइन है इसका और काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे जो इसकी लाइट्स देखोगे ना ये सारी लाइट्स काफ़ी सुंदर है इसकी और 803 है ये
और बिल्ड योर ड्रीम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है BYD की फुल फॉर्म पूरी और काफ़ी शानदार है यार। यार इसकी काफ़ी सही है गाड़ी। देखोगे ना यहाँ पे ये YV मोबिलिटी की तरफ से यहाँ पे एक कार फैसिलिटी में लगाई गई है डिस्प्ले में। बहुत ही स्मॉल सी कार है। तो भाई ये कार है, कार के बारे में ये सर बताएंगे कैसे क्या। सर सोलर कार है। हाँ इसका 250 किलोमीटर का रेंज है। ये 1 आवर चार्ज करने पे 250 किलोमीटर चलेगी। इसमें सोलर का एडिशनल दिया हुआ है। 4 to 5 hours इसको धूप में पार्क करते हो आप 10 से 12 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रेंज मिलेगा। अच्छा धूप में पार्क करने पे। प्रीमियम कार के पूरे फीचर्स दिए हुए हैं। एयरबैग दिया हुआ है, सीट बेल्ट दिया हुआ है, एसी भी दिया हुआ है। इसमें आपको एंड्रॉइड भी मिल जाएगा, एप्पल कारप्ले भी मिल जाएगा। अच्छा रियर कैमरा भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप कॉलिंग भी मिलेगा। सर ये इसमें कितने की ऑन रोड पड़ेगी है? ये सर अभी हम नेक्स्ट ईयर लॉन्च करेंगे। इंडिया की कंपनी है, बेस्ड कंपनी है, ये हमारा स्टार्टअप है अभी। अच्छा नेक्स्ट ईयर हम इसको लॉन्च करेंगे। स्टार्टअप का नाम वेव मोबिलिटी कंपनी का नाम है। वेव मोबिलिटी और कार का नाम युवा दिया हुआ है। युवा ओके। तो भाई ये कार है बड़ी शानदार है और बड़ी सुंदर है। यहाँ पे अभिनव को भी ये कार बहुत पसंद है। अभिनव लेगा ये कार? बड़ी प्यारी कार। इसकी देखो यहाँ से इसके अलॉयज ये वाले और यहाँ काफ़ी जनता इसमें घुसी पड़ी है इस समय। मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो भाई ये देखो ये है इसके अंदर का ये सारी सिस्टम है। इसके अंदर ज़्यादा नहीं एक लोग बैठ सकते हैं, एक सिंगल यहाँ पे है और पीछे यहाँ पे दो लोग मुश्किल से बैठ सकते हैं और एक लोग है। वैसे काफ़ी अच्छा है, ये स्टार्टअप में है। और यहाँ पे ये इसका सोलर शायद पैनल है, सोलर पैनल ये नहीं है इसका और आगे की तरफ में लगे हुए हैं इससे सोलर पैनल जो है। और बाकी इसके अंदर देखो सारी चीज़ें हैं, काफ़ी टच का डिस्प्ले है और सारी चीज़ें हैं। इसके प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक किस्म की है, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, सब कुछ है इसके साथ। भाई इसकी ये सारी कार्स हैं यहाँ पे भी और हुंडई और इसकी हमने दोनों इकट्ठी देखी हैं अभी। और यहाँ पे आप देखोगे ना यहाँ पे बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस और ये मैपल्स वगैरह कंपनी है इनके बारे में ज़्यादातर बता रखा है। तो ये इतनी ही यहाँ पे वीडियो। और यहाँ पे आप देखोगे मेटा के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। ये इसमें देखोगे ऑल न्यू E6 जो है इनकी आ रखी है। ये MPV है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये भी आई हुई है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही ज़माना है भाई और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही ज़्यादा ज़्यादा बन रहे हैं यहाँ पे। और मूवी विद मेटा यहाँ पे देखो आप, काफ़ी सारे आउटलेट्स यहाँ पे इस तरीके से लगे हुए हैं, काफ़ी सारे डिस्प्लेज में लगी हुई हैं यहाँ पे चीज़ें। और यहाँ पे देखो स्टैटिक है और भी बहुत सारे लोग हैं, साइप्रोज हैं, ये सब लोग जो हैं यहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस जो है डेवलप करने वाले हैं यहाँ पे में हमारे इंडिया में। और उसी की ये सारे डिस्प्लेज हैं, जैसे यहाँ पे इनके देख सकते हो चार्जिंग स्टेशन इसमें किस तरीके से दिखा रखा है। ये इस तरीके से काफ़ी इसका एक डिस्प्ले है बड़ा सा और यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है और इस तरीके से। तो भाई मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को। मिलते हैं आगे इस वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्ण।